गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम फोर्थ में पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक द वर्ल्ड इन माई होम। द वर्ल्ड इन माई होम, ये जो टॉपिक है ये EBS में से लिया गया है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इसमें अमीर होता है एक लड़का जिसका नाम है अमीर। तो इसमें बताया है कि हर कोई जो है अपनी फैमिली में, आपने नोट किया होगा कि हर घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं सबके अलग अलग चॉइस होती है। तो इसी तरह से ये अमीर्स की फैमिली जो है ये भी मतलब जब टीवी देखने बैठते हैं तो ये आपस में लड़ते हैं। इसमें किसी को शौक होता है टीवी का अलग अलग सीरियल देखने का, किसी को ड्रामा देखने का, किसी को सॉन्ग्स देखने का, किसी को डांस करने का। यानी कि एक्चुअली ये हर घर में होता है कि हर कोई की, हर किसी की अपनी पसंद होती है कि मैं टीवी पे अपना प्रोग्राम अपनी चॉइस का देखूं। तो इन छोटी छोटी बातों पे कभी घर में लड़ाई भी हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ कि अमीर्स की जो फैमिली है वो भी टीवी के मसले को लेके आपस में लड़ रहे हैं। और उनकी उनका जो भाई है, इसका जो भाई है अमीर का, वो कहता है कि मैंने क्रिकेट मैच देखना है। और उसकी जो बहन है वो कहती है कि मैंने गाने सुनने हैं। और यहाँ पे जो इसके मम्मी मम्मी हैं, आंटी हैं, जो घर के बाकी मेंबर्स हैं, उनके भी अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने की चाह है। तो जो इसकी आंटी है वो कहती है मैं टीवी सीरियल देखूंगी, और जो इसकी माँ है वो कहती है कि मुझे न्यूज़ सुननी है, जो इसके डैडी हैं वो कहते हैं मैंने फुटबॉल मैच देखना है। तो ये सब अपना अपना प्रोग्राम टीवी पे देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से घर में थोड़ी तू तू मैं मीन्स लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो फाइनली क्या होता है कि घर का जो हेड है यानी इनका डैडी है उसी की चलती है, और टीवी पे उसी की मर्जी का प्रोग्राम जो फुटबॉल मैच होता है वही मजबूरी सबको देखना पड़ता है। तो इसके बाद यहाँ पे बताया है कि हम देखेंगे कि जो हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली का हेड जो हेड है वो हमारा फादर होता है, क्योंकि फादर जो है वो फैमिली के लिए पैसे कमा के लाता है और जिससे हमारा घर चलता है, और हमारे घर की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं वो उसी की इनकम पे डिपेंड होती हैं। तो इसलिए हम फैमिली का हेड अपने फादर को ही समझते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं वो लड़के और लड़की में डिफरेंसेस करते हैं, यानी उनमें फ़र्क रखते हैं कि लड़कों को कौन सा काम करना है और लड़कियों को कौन सा काम करना है। खासकर ऐसा गांव में अभी भी हो रहा है, लेकिन शहरों में लोगों की थिंकिंग डिफरेंट हो गई है। तो इसमें उनको बताया जाता है कि जो लड़के हैं उनको ज़्यादा देर तक बाहर घूमना नहीं चाहिए, उनको किसी मतलब जो लड़कियां हैं ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती हैं, किसी फ्रेंड्स के घर ज़्यादा देर तक जा नहीं सकती हैं, मतलब अपने रिलेशन के बगैर वो कहीं आ जा नहीं सकती हैं, और उनको कोई भी इम्पोर्टेंट जितनी भी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और वो मीन्स इनमें बताया गया है कि अगर लड़कियां कभी किसी के घर जाती हैं तो उनके बारे में पेरेंट्स को हमेशा टेंशन रहती है कि लेट हो गया ना जाने वो कहाँ होंगी, लेकिन लड़कों के बारे में इनके माइंड्स फ्री होते हैं, लड़कों पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन या कोई भी पाबंदी नहीं होती। आज इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे चैप्टर नेक्स्ट टाइम।